हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। जामिया मिलिया इस्लामिया का आपको एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करना है, वो कैसे डाउनलोड करें वो मैं आपको बताऊंगा। अभी कुछ कोर्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कोर्स के बाकी हैं, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रहा है कैसे डाउनलोड करें, मिल नहीं रहा। तो सबसे पहले देखिए, आप जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन पे, jmicoe.in, जैसे मैंने आप सर्च की ये वेबसाइट पे जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं ये एडमिशन वाला सेक्शन है जो इसमें देखेंगे UGPG वाला। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू, यहाँ पे ये वाला अप्लाई फॉर UGPG, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वहीं पे जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी पूछेगा आपका और पासवर्ड, मतलब आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म फिल किया था वही आईडी डिटेल चाहिए आपको, और उसमें अगर आप पासवर्ड याद नहीं है, पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, आपका ईमेल या फ़ोन नंबर से हो जाएगा, कैसे भी देखिए ईमेल से कर सकते हैं, ठीक है। अगर याद है तो फिर आपको साइन इन पे जाना है, अपनी डिटेल्स डालनी है आपको, और देखिए सबमिट कर देना है आपको। और फिर इसके बाद आपका ये माई एप्लीकेशन आ रहा होगा जब फॉर्म भरा था, और प्रीव्यू फॉर्म, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और जब आप इस पर टैप करेंगे, इसमें जितने भी आपने कोर्स अप्लाई किए हैं, जिस जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है, वो जिस कोर्स का मतलब आ चुका है उसका यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से वी और डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर लेंगे, उसे डाउनलोड करवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। फिर ऐसा होता है ये फ़ोन में कभी कभी नहीं खुलता, तो डेस्कटॉप में खुल जाएगा, तो आपको प्रीव्यू डाउनलोड नहीं हो पाता, मतलब खुल तो जाता है डाउनलोड नहीं हो पाता, तो डेस्कटॉप में खुलवा लेना डायरेक्ट, जिससे प्रिंट करवाएंगे वहाँ से आप करवा सकते हैं। और कोई कुछ इशू हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब सभी को करके जाना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।